मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आपको बता दें कि आज मुंब्रा में मनपा अधिकारी महेश आहिर के खिलाफ मूक मोर्चा निकाला गया था। दरअसल ये मूक मोर्चा मुंब्रा के दारुल फलाह मस्जिद के सामने से इसकी शुरुआत हुई और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर चौक तक ये मूक मोर्चा निकाला गया। इस मोर्चे में एनसीपी के नेता आनंद परांजपे, सैयद अली भाई साहब, शानू पठान, शमीम खान और अन्य तमाम नगर सेवक पदाधिकारी और कार्यकर्ता इसमें भाग लिए थे। दरअसल जिस तरह से पिछले दिनों कलवा मुंब्रा के विधायक जितेंद्र अवाद के परिवार को जान से मारने की धमकी का ऑडियो क्लिप जो है वो वायरल हुआ था और उसके बाद महेश आहिर के साथ जो है हाथापाई की घटना सामने आई थी, लेकिन इसके बाद से जो है जितेंद्र अवाद की बेटी और जितेंद्र अवाद खुद सुरक्षा की मांग कर रहे हैं कि उन्हें जो है प्रोटेक्शन दिया जाए, उनके जान को खतरा है और तमाम इस पर जो है महाराष्ट्र के सरकार पर भी आरोप जो है लगाया जा रहा है, लेकिन मांगे जो है पूरी ना होने की वजह से आज मुंब्रा शहर में एनसीपी पार्टी ने मूक मोर्चा निकाला अपनी तमाम मांगों को लेकर। इस दौरान एनसीपी के जो नेता है आनंद परांजपे क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। आज जो है महेश आहिर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन निकाला गया है, क्या मांगे हैं आप लोगों? राष्ट्रवादी के हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाद जी, इनके पुत्री और दामाद, इनके खिलाफ जो ऑडियो क्लिप सहायक आयुक्त महेश आहिर जी की आवाज़ में वायरल हुई थी, उस क्लिप में दाऊद के कुख्यात सरगना बाबा जी से संभाषण की बात वो कर रहा है और स्पेन में, लंदन में डॉक्टर जितेंद्र अवाद साहब की पुत्री हो चाहे जमाई हो, इनकी हत्या की सुपारी देने की वो ऑडियो क्लिप थी। आज दो हफ्ते हो गए कि वर्तक नगर पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत खुद डॉक्टर जितेंद्र अवाद जी ने की है, लेकिन कोई पुलिस कार्रवाई कर नहीं रही है। राष्ट्रवादी अगर आंदोलन करती है, हम घोषणाएँ देते हैं, तो मेरे खिलाफ 11 पुलिस स्टेशन में कंप्लेन की थी। पिछले 3-4 महीने से लगातार डॉक्टर जितेंद्र अवाद है, राष्ट्रवादी के हमारे कार्यकर्ता है, उन पर पुलिस मुख्यमंत्री जी के दबाव में आके गुनेह दाखिल करती है, लेकिन इस मामले में कोई भी कार्रवाई पुलिस नहीं कर रही है। आज राष्ट्रवादी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाद जी के लिए मुंब्रा के हमारे नेता, महाराष्ट्र के नेता सैयद अली भाई साहब हो, विधानसभा के हमारे अध्यक्ष शमीम भाई हो और मेरे युवा साथी विरोधी पक्ष नेता शानू पठान और राष्ट्रवादी के सभी नगर सेवकों और मुंब्रा की आवाम जो डॉक्टर जितेंद्र अवाद जी को प्यार करती है, उनके समर्थन में भारी मात्रा में आज यहाँ पर उतरी है। जिस तरह से सुरक्षा की मांग की गई थी, जितेंद्र अवाद साहब की बेटी ने भी किया था परिवार को लेकर, सुरक्षा भी अभी तक नहीं मिली है और जो गुनाह दाखिल करने की मांग की जा रही है वो भी गुनाह नहीं दाखिल। पुलिस ना तो सुरक्षा दे रही है, मुहैया कर रही है डॉक्टर जितेंद्र अवाद जी हो, उनके परिवार को हो, और कंप्लेंट होने के बाद भी FIR पुलिस नहीं ले रही है, तो पुलिस की ऐसी क्या दुर्बलता है, पुलिस की ऐसी क्या हताशा है, पुलिस के ऊपर क्या ऐसा प्रेशर है कि एक आम नागरिक जाए और हमारे खिलाफ अगर कोई झूठा कंप्लेंट भी करने जाए तो आधे घंटे में FIR दर्ज होती है, झूठे मुकदमे हम पे दायर किए जाते हैं, झूठे उसमें IPC लगाई जाती है, लेकिन डॉक्टर जितेंद्र अवाद जी के कंप्लेंट को लेकर सहायक आयुक्त महेश आहिर के खिलाफ आज तक FIR क्यों नहीं हुई, ये पुलिस ही ज़्यादा अच्छे से बता सकती है। इस मामले में क्या आपको लग रहा है कि राजनीति के तहत ये सब हो रहा है या राजनीति पार्टी? राजनीति के तहत ही ये हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का सबसे बड़ा दुख है कि भले वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो, लेकिन जिस शहर से वो आते हैं उस शहर में ही डॉक्टर जितेंद्र अवाद और राष्ट्रवादी पार्टी संवैधानिक पद्धति से, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान के तहत हम मोर्चा निकाल सकते हैं, हम घोषणाएं दे सकते हैं, आज ये मुख्य मोर्चा है, ये संविधान के तहत ही है जो उनका हम विरोध करते हैं, इसलिए राष्ट्रवादी हो डॉक्टर जितेंद्र अवाद हो, इनके खिलाफ झूठा मुकदमा, झूठे केसेस, झूठे कलम लगाने का पिछले 4-6 महीने से हमेशा से ये कोशिश माननीय मुख्यमंत्री जी ही कर रहे हैं, मेरा ये सीधा उन पे आरोप है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो मुंब्रा के अध्यक्ष है और उनके कारपोरेटर्स और कार्यकर्ताओं ने दारू फला मस्जिद से अम्बेडकर चौक तक 300-350 लोगों का मूक मोर्चा निकाला था। मोर्चा एकदम शांति से उन्होंने यहाँ आए और हमें एक निवेदन दिया है कि डॉक्टर जितेंद्र अवाद साहब और उनके फैमिली है, उनको जो थ्रेट आया था उनके बारे में कार्रवाई करें, उनका निवेदन हमने स्वीकार कर लिया है, ये निवेदन हम उचित कार्रवाई के लिए आगे भेज दें। उन्होंने हमें एप्लीकेशन दिया था जो
रूल्स और रेगुलेशंस है, कंडीशंस है, उसके मुताबिक उनको हमने रिप्लाई दिया था, वहाँ पे उनको परमिशन दी थी।